और यादव, या तो 100%, मैं 99 भी नहीं कहूंगा, 100% सुधाकर सिंह के साथ है। अब आ गई जो भाजपा के कोर मतदाता हैं, ठाकुर सुधाकर सिंह के साथ है। भूमिहार मतों में बड़ा बिखराव है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लग रहे हैं कि आप अंदर से प्रचार कर रहे हैं सुधाकर सिंह का, आप क्या कर रहे हैं और करें भी क्यों ना। वहाँ चारों विधानसभा में, मऊ के चारों विधानसभाओं में सबसे अधिक भूमिहार अगर कहीं है तो घोसी में है। वहाँ चार बड़े नेता भी हैं, योगिंदर सिंह हैं, मनोज राय हैं, उत्पल राय हैं, सीता राय हैं, सारे राय लोग हैं और सारे भाजपा के से ही टिकट मांगते हैं। तो जब दारा ही हर चुनाव लड़के जीत जाएंगे तो यह क्या करेंगे, यह केवल हाथ जोड़ के लोगों के लिए समर्थन मांगेंगे? यह भी भूमिहार बिरादरी में सवाल बन रहा है। तो भूमिहार कट रहा है, ठाकुर कट रहा है, रह गई भाई दलित की, तो मैं अभी भी 60-40 पे ही अड़ा हुआ हूँ। दारा चौहान चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, यह भाजपा पे इसमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, उनको यह दिखाना है कि फागू चौहान आज के डेट में राज्यपाल बना के उनको राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि दूर कर दिया गया। तो चौहान जो यहाँ के मतदाता है, राजभर और चौहान मुख्य मतदाता होते हैं पिछड़ी जातियों में, यहाँ पे बहुतायत संख्या में है, और उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको अपनी तरफ लेने के लिए संदेश देना चाहती है कि आपके बड़े चौहान नेता को मैं ले रहा हूँ 2024 में, आप देखना मैं आपके साथ हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। कि ये जो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी ना, ये जैसे छात्र संघ का चुनाव और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता था उस तरीके से चुनाव, गली गली मंत्री जो है धान के खेतों में घूमकर वोट मांग रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूँ कुमार अभिषेक और हम इस वक्त मौजूद हैं मऊ में। मऊ का एक विधानसभा घोसी, जहां उपचुनाव हो रहा है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी उपचुनाव की, और वजह भी साफ है। वजह यह कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, और इस चुनाव में जो जीतेगा इसका संदेश 2024 के लिए भी जाएगा। तो क्या ये इंडिया और एनडीए के बीच चुनाव है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम राय जानेंगे इस घोसी से जुड़े हुए तमाम पत्रकारों की। मऊ जो कि मुख्यालय है, वहां हमारे साथ ढेरों पत्रकारों की मौजूदगी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सब, कोई पत्रकार अखबार में है, कोई टेलीविजन के लिए काम करते हैं, और इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से मैं आपका तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है, मुद्दे की बात में, कि जीत कौन रहा है, यानी कि इस उपचुनाव को कौन जीत रहा है। पूरे इलाके में, खास करके घोसी में, दावे और प्रतिदावे बहुत हैं, चर्चाएं काफी हैं, लेकिन असल में कौन आगे है और असल में कौन पीछे है, हम इन पत्रकारों की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों तक ये राय पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे वो जमीनी हकीकत जिसके जरिए कम से कम हम उस पल्स को समझ सकें कि आखिर इस घोसी उपचुनाव में हो क्या रहा है। तो हम आपका परिचय कराएं, लेकिन पहले आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि जब हम आपके पास आए तो आपके परिचय के साथ हमारा सवाल होगा। एक एक करके हम तमाम पत्रकारों से उनकी राय जानेंगे, पहली प्रतिक्रिया कि आखिर चल क्या रहा है इस मऊ में। तो सबसे पहले आपका सवाल, आपका परिचय और इस वक्त मऊ में आप क्या देख रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, दैनिक जागरण। और मऊ में सारे ऐसे विषय जो बेहद महत्वपूर्ण हैं जिले के दृष्टिकोण में, उन सबको मैं देखता हूं। जी, तो आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त का माहौल किसके पक्ष में है? चर्चा तो यह है कि सुधाकर सिंह बहुत आगे हैं या फिर दारा सिंह चौहान के प्रति बहुत असंतोष है, आपको भी लगता है कि ये स्थिति है? निश्चित तौर पर जब कोई दल बदलता है तो थोड़ी विरोध के स्वर तो दिखाई देते हैं, और वो विरोध के स्वर जो है दिल से न होकर के केवल उथले और राजनीतिक है, वो कोई दिली विरोध नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस संविधान में कोई किसी भी दल में जा सकता है और चुनाव लड़ सकता है। बाहरी और भीतरी का जहां तक सवाल क्षेत्रीयता के आधार पर उठाया जाता है, वो अभी एक गैर संवैधानिक सवाल है। कहीं ना कहीं जब लोकल राजनीति पिटती है तो इस तरह के सवालों को आगे करके अपना ढाल बनाती है कि मैं अच्छा हूँ। अगर वाकई वो अच्छे हैं तो उनकी राजनीतिक पार्टी उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रही है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि दारा सिंह चौहान
इसी जनपद के रहे हैं, आजमगढ़ जनपद के रहे हैं, उसी आजमगढ़ जनपद से कटकर यह मऊ जनपद बना है, तो बाहरी का कोई बड़ा सवाल दारा सिंह चौहान के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी कर्मभूमि पिछले कई सालों से, कई दशकों से मऊ ही रहा है। प्रवीण राय हैं हमारे साथ, आप इन्हें यूपी तक के डिबेट्स में देखते होंगे। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो चुनाव है, जो पूर्वांचल खास तौर से, यहाँ पे जातिगत फैक्टर पूरा हावी रहता है। हर चुनाव में देखिए, पिछले लगातार 10 साल 20 साल के चुनावों को अगर आप देखेंगे, तो पूरे देश का अगर कहीं अगल टेस्ट, अगर बहुत नज़दीकी बात करें, तो विधानसभा अभी हाल ही में बीता है, इसमें पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जहां वोट कर रहा था, बहुमत की सरकार बन रही थी, वहीं पूर्वांचल में पूरी समाजवादी, यहां भी 3 की 3 समाजवादी सीटें जीती और जातिगत। अब हम घोसी की बात करते हैं, घोसी भी समाजवादी पार्टी ही सीट जीती थी, यही दारा चौहान जीते थे, लेकिन जो इस समय का वो है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी में आ गए अपनी पार्टी बदल के। तो देखिए, वो मधुबन की वहीं बगल की विधानसभा मधुबन थी और वहां से विधायक थे और मंत्री थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षित माना, जो चौहान मतदाता वहां के हैं और राजभर मतदाता हैं, पिछड़े जो मतदाता है वहां पे निषाद मतदाता है, मैं जातिगत फैक्टर पे सीधे लेकर आता हूं, तो जो पिछड़े मतदाता हैं वो पूरी तरीके से इसलिए उन्होंने मधुबन को छोड़ा कि यहां पे वो हावी हैं, क्योंकि फागु चौहान की ये सीट रही है, और जब जब फागु चौहान वहां लड़े हैं, हमेशा चुनाव जीते हैं, चाहे जिस किसी पार्टी से लड़े हों, फागु चौहान भी लगातार दल बदलते रहे और वह चुनाव जीतते रहे, कोई फैक्टर नहीं हुआ, उनका भी विरोध हुआ, लेकिन जातिगत आधार पे चुनाव हमेशा जीतते रहे, यहाँ फिर वही फैक्टर आकर फंसा है। और जो दूसरा सबसे बड़ी स्थिति, पिक्चर क्लियर है कि ये जो चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका कोई कैंडिडेट नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है केवल और केवल हाथी चुनाव निशान देखता है और हाथी चुनाव निशान पे ही वोट करता है। आज वह हाथी चुनाव निशान उसको नहीं मिल रहा है, उसको कहीं शिफ्ट होना है, और शिफ्ट होने की कुवत किस कौन करवा रहा है, शिफ्ट कौन करवा सकता, किसकी ताकत है, बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे दमखम लगा दी है, अभी मैं कई जगह घुमा हूँ, चूंकि पत्रकार हूँ, मैं भी गली गली घूम रहा हूँ, हर तरीके से साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी अपनी लगा दी है उन वोटरों को शिफ्ट कराने के लिए। और अभी 4 दिन पहले जो चुनाव नहीं दिख रहा था, अब धीरे धीरे वो चुनाव उनकी तरफ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और एक बात और मैं आपसे बता दूं अभिषेक जी, कि ये जो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी ना, ये जैसे छात्र संघ का चुनाव और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा जाता था, उस तरीके से चुनाव, गली गली मंत्री जो है धान के खेतों में घूमकर वोट मांग रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं दारा चौहान के लिए। तो क्या दारा चौहान वो चुनाव लड़ रहे हैं? जल शक्ति मंत्री ब्रजेश पाठक, कलकेशव मौर्य आ रहे हैं, AK शर्मा है यहाँ पे, ऑलरेडी सारे सूर्य प्रताप शाही है, सारे मंत्री यहाँ पे डेरा जमाए हुए, क्या उनका असर नहीं पड़ रहा है? ये टेलर पर जैसे हवा बनाई जा रही है, हवा बन भी रही है, इसमें नो डाउट, कंधे पे हाथ रख के, अरे मेरा नंबर ले लो यार, कोई बात होगी तो आना लखनऊ, देख लेंगे, लखनऊ में जाकर क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के डेट में मोबिलाइज करने में सफल हो रहे हैं, ये मैं खुद एक पत्रकार की दृष्टिकोण से देख रहा हूं। तो चुनाव धीरे धीरे, निश्चित तौर से विरोध का असर था और हमेशा विरोध का असर रहा। अभी बगल का रामविलास चौहान मधुबन विधानसभा से फागु चौहान के लड़के हैं, चुनाव लड़े, एक बहुत बढ़िया प्रत्याशी, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी थे, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया और बहुत भारी विरोध। यहाँ पे तो किसी हिम्मत नहीं है किसी कार्यकर्ता में भाजपा के कि वह विरोध कर दे, क्योंकि पूरी सरकार उनकी बहुमत की है, विरोध नहीं कर सकता। वहां खुल के हजारों हजारों की संख्या में, यहाँ तक कि कई ब्लॉक जो उनके अध्यक्ष होते हैं, जिनको मंडल अध्यक्ष बोला जाता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ घूमते थे, लेकिन उस घूमने के बावजूद भी हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी वह चुनाव जीते। भारतीय जनता हमेशा टेस्ट करती है, नया नया टेस्ट करती है। मेरी दारा चौहान से खुद बात हुई, मैंने कहा कि मंत्री जी आखिर क्या पड़ी थी, आप विधायक थे कि आप चुनाव इस्तीफा देकर पुनः चुनाव में आ गए, इतनी जनता विरोध कर रही है। कहे कि भाई साहब, कौन ऐसा चाहता है कि जीता हुआ खिलाड़ी पुनः जाकर मैदान में हो, मुझे इसकी चिंता नहीं थी, मुझे ऊपर से भेजा गया, ऊपर मतलब इशारे शर्मा अमित शाह का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा, और यह चुनाव 2024 का चुनाव का टेस्ट हो रहा है। और एक बात और मैं क्लियर बता दूं, जो टेस्ट को किस रूप में देखा जा रहा है उसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां दारा चौहान चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे, यह भाजपा पे इसमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि उनको यह दिखाना है कि फागु चौहान आज के डेट में राज्यपाल बना के उनको राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि दूर कर दिया गया। तो चौहान जो यहां के मतदाता है, राजभर और चौहान मुख्य मतदाता होते हैं पिछड़ी जातियों में, यहाँ पे बहुतायत संख्या में है, और उनको मोबिलाइज करने के लिए, उनको अपनी तरफ लेने के लिए संदेश देना चाहती है कि आपके बड़े चौहान नेता को मैं ले रहा हूँ 2024 में, आप देखना मैं आपके साथ हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। ये परिदृश्य 2024 के लिए बनाया जा रहा है। दारा चौहान अगर चुनाव जीते चाहे हारे, चुनाव हार भी जाते हैं तो मुझे जरूर उनको कोई सम्मान मिलना है, क्योंकि कहना उनका इशारा है कि उनको ऊपर से भेजा गया है, अभी शाह ने भेजा है, ये पूरी परिदृश्य है। आप भी पूरे इलाके में घूम रहे हैं,
लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो सर पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद आप क्या सोचते हैं ये भी हम जानते हैं। वेद मिश्रा मेरा नाम है, NBT और हिंदुस्तान समाचार देखता हूँ। हम भी लगभग 25 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ अभी तक इक्का दुक्का छोड़कर दारा सिंह के विरोध में कोई नहीं है। मैक्सिमम लोग दारा सिंह के पक्ष में चुनाव के बारे में वोट करने के लिए चाहे उनके समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं खुलकर। आश्चर्य तो तब होता है कि माइनॉरिटी के लोगों ने भी खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि हम भाजपा को वोट करेंगे, इसलिए कि भाजपा की नीतियों से, भाजपा ने जो आवाज़ दिया है, जो राशन दे रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। तो भाजपा जब भेदभाव नहीं कर रही तो हम तो 3.5 साल ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो मेरा विकास करे, जो घोसी का विकास करे, जो मऊ का विकास करे। तो हमें तो भाजपा को चुनना है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, वो तो कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दल बदल करके चले आए, क्या जरूरत थी आने के लिए। उनका विरोध दारा सिंह चौहान से है, भाजपा से शायद उतना ना है, उतनी नाराजगी नहीं है। हम भी घूम रहे हैं तो ये स्वर भी सुनने को मिल रहा है काफी। जरूर, जाहिर सी बात है, ठीक है, आपका आपके मतदाता जो भी रहे होंगे वो, लेकिन हमने जो सर्वे किया, हम जो 20 दिन से सर्वे कर रहे हैं, वो मेरे हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ तो अभी आज ही हम प्रबुद्ध लोगों का वो किए हैं, चौपाल किए हैं, घोसी कचहरी के बाहर किए। प्रभु वो दारा को नहीं हजम कर पा रहे, लेकिन भाजपा को मजबूरी में वोट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा, जो विकास कर रहा, यहाँ विकास का मुद्दा अब आ गया है, अब दारा और सुधाकर सिंह फैक्टर नहीं रहे। ये चुनाव दारा सिंह ने ऐसा कर दिया भाजपा के लिए कि ये भाजपा अब भाजपा लड़ रही है चुनाव और साइकिल लड़ रही चुनाव। अब कहीं ना कहीं ये चुनाव 2024 को देख के किया जा रहा है, क्योंकि इतना मंत्री, इतना विधायक, इतना जो कैंपिंग हो रही है, जो ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो समझ लीजिए 4 दिन से आज यहाँ कैंप किए हुए हैं, घोसी में लगातार वो कैंप किए हुए हैं। तो जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कैंप किए हुए हैं, वो मौर्या जी आ ही चुके हैं कई बार, अभी मुख्यमंत्री जी का आना बाकी ही है, तो लग रहा कहीं ना कहीं ये चुनाव को दूसरे वे में देखा जा रहा। पहले तो हल्ला ये था कि जैसे ही दारा सिंह को टिकट दिया गया तो ये बोला गया कि बाबा ने टिकट सुधाकर सिंह को दिलवा दिया, बाबा की नाराजगी रही है, ये चर्चाएं थी। लेकिन अब ये सब चर्चाएं को पूरा विराम लग चुका है, अब ये कहीं ये हो जाए, अब दारा सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अब भाजपा लड़ रही है चुनाव। अब दारा ने ये ताकत दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। अगर ताकतवर नहीं होते दारा, तो भाजपा को इस जगह खड़ा कर दिया है कि भाजपा आज उसको चुनौती लेकर 2024 तक इसको, इस चुनाव को देखने जा रही है। तो हमारे साथ जो पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं, जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उनमें से ज़्यादा लोगों को अब रुख बदलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी 5 दिनों का कैंपेनिंग लगभग अभी भी बाकी है। सर आपका पूरा परिचय क्या है और आप इस चुनाव को कैसे देखें? मैं संजय राय, ब्यूरो चीफ तरुण मित्र, और मेरा कार्य क्षेत्र पूरा जनपद का है। ऐसे चुनावी क्षेत्र में आना जाना कम होता है, लेकिन चुनाव जिला मुख्यालय होने के नाते और जिले मुख्यालय पर आज हम लोग बैठे हैं, और यहाँ होने के नाते सारी निचोड़, सारी गतिविधियों का हालचाल बैठे बैठा यहाँ मिलता है। ये बात को क्या लग रहा है? यह बात सही है कि आज उपचुनाव कह लीजिए या इंडिया NDA गठबंधन की लड़ाई देख लीजिए, वह सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश में इकलौता घोसी विधानसभा को हम लोग फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये अच्छा है। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, उपचुनाव है चूंकि सिटिंग सत्ता सरकार की होती है, उपचुनाव उसके ही जीत में पाले में जाता है, लेकिन इसको अपना मानते हुए भी उसने रोमांचक मुकाबले पर ला खड़ा कर दिया है। अपने कद्दावर मंत्रियों को खेत खरिहान दर दरवाजे गली गुच्छे दौड़ा दौड़ा करके इसको रोमांचक मुकाबले पर ला दिया है। दूसरी बात यह है कि ये NDA की तो कही जा रही है, लेकिन NDA के जितने घटक दल है, गठबंधन के दल है, वो फुलफिल फील्ड में उतर के बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। इंडिया का अभी तक कोई घटक दल का व्यक्ति फील्ड में उतर के घटक बैटिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आने का कार्यक्रम भी रहा है कि वो भी समर्थन को लेकर के आएंगे, अभी तक उनका पता चला नहीं है।
वो कल कागजी घोड़ा दौड़ा करके रह गए। इसलिए उनको इंडिया वालों को इस प्रति लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, अपने गठन को लेकर के मायूसी है। चुनाव काफ़ी रोमांचक मुकाबले पर है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, चुनाव चढ़ता जा रहा है, चुनाव कभी इधर कभी उधर। रह गई बात घोसी विधानसभा का, दो ध्रुव है, पूर्व और पश्चिम। पूर्व दिशा में कहने को है कि पूर्व दिशा में सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी है, पश्चिम के तरफ दारा सिंह का पलड़ा भारी है। और प्रॉपर घोसी का जो कस्बा इलाका है, वहाँ दोनों लोग बराबरी की लड़ाई में हैं। इस प्रकार दोनों का रोमांचक मुकाबला है। जीत किसके पाले में आएगी और स्थिति क्या होगा, ये 2 तारीख को संभावित प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर के कार्यक्रम के बाद ही रुख रुझान समझ स्पष्ट होगा। ये है स्थिति अभी तक। आपका क्या शुभ नाम है और किस अखबार? जी, प्रशांत कुमार सिंह, जागरूक एक्सप्रेस से हैं। और हम तो घोसी के विधानसभा में रहने वाले हैं और चुनाव तो काफ़ी मतलब जबरदस्त हो रहा है इस बार जो है उपचुनाव। जो सपा और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, दोनों जबरदस्त दमदार तरीके से इस बार आए हैं मैदान में। और कल पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा कल से तो जो है जबरदस्त तरीके से, जो जिस तरीके से बृजेश पाठक जी लगे हुए हैं गांव-गांव में जाके जन चौपाल कर रहे हैं, तो कल से चुनाव जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और पलड़ा भारी तो दोनों पार्टियां अपने आप में जबरदस्त हैं जो है, क्योंकि प्रत्याशी जो हैं सपा के लोकल घोसी के हैं और उनका मतलब ये है कि हर वर्ग का आदमी जो है उनके दरवाजे पर पहुँच जाता है, तो उनकी एक दरबार में जो है सबका सहयोग करने का जो भाव है, इसको लेके वो काफ़ी मजबूती से खड़े हैं जो है। लेकिन सुधाकर सिंह की क्या स्थिति है यहाँ पे? तो जितने लोग मुझे बोलते मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी जीत रही है। क्या ऐसी स्थिति है? अगर हम घूम करके आए तो बहुत लोगों की नाराजगी है दारा सिंह चौहान को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जो उनके बाहरी होने, उनको उनके दल बदलने, ऐसे तमाम तरीके के आरोप के साथ वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो हम दारा सिंह चौहान को हरा के ही भेजेंगे। इस तरह की बातें भी सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ जो हम पत्रकारों के बीच बैठे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी जीत गई है। देखिए, मेरा नाम रंजीत राय है, मैं पत्रकार हूँ। अभी आप लोगों ने पत्रकार बंधुओं से चर्चा सुना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ चर्चा में ये बताया गया कि सरकार ने पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया है, उसमें हर जाति के हर धर्म के मंत्री हैं, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी ने सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के दमखम पे, जो यहाँ स्थानीय प्रभाव रखते हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, उनके प्रभाव में, उनके व्यवहार में, उनके हर वर्ग पर उनका जो प्रभाव दिख रहा है। देखिए, ये अब ऊंचे लेवल की बात हो रही है ना, वो समीक्षा हो जाए। राम गोपाल यहाँ यादव जी आए, शिवपाल यादव जी आए, तो राजीव राय जी के साथ जहां जहां गए, तहां तहां लोगों ने कहा कि यहाँ तो राजीव राय हैं, यहाँ तो राजीव राय हैं, तो राजीव राय तो यहाँ पूरा कैंप कर दिए हैं, पूरा उस व्यक्ति ने डेरा डाल दिया है और सपा ने पूरा मंत्रिमंडल उतार दिया है। तो रावण रथी विरथी रघुवीरा, इस स्तर पे भाजपा और सपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। अब रहा यहाँ के मतदाता के भाव की बात, तो देखिए होता क्या है, जब परीक्षा शुरू होती है तो जो परीक्षा देता है लड़का, वो सोचता है कि अभी 7 दिन समय है, तो धीरे धीरे पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता है उसके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह भाजपा के जो शुरुआती में इनको टिकट मिला और जनता के बीच में दारा सिंह चौहान को लेकर जो प्रतिक्रिया आई कि पार्टी बदलते हैं, तो ये कोई नया चीज तो हुआ नहीं कि ये सपा छोड़ के भाजपा में चले गए, शुरू से होता आया। तो क्या शुरू से जीतते नहीं जा रहे हैं? कौन वोट कर रहा है दारा चौहान को? कौन वोट कर रहा है? उनका पिछड़ा वर्ग वोट कर रहा है, उनका जिस पार्टी में समर्थन है उस पार्टी का वोट मास वोट कर रहा है। जीत रहे हैं ना, विरोध की प्रक्रिया तब से शुरू हो रही है, ये बातें तब से शुरू होती है, लेकिन वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस समय जो चुनाव की दशा है, तो जिसकी सरकार होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, ये सरकार का चुनाव मान करके गली गली में हर जगह घूम रही है। लेकिन जो चुनाव मंत्री के स्तर पे लड़ने के अगर एवज पे और उसकी प्रतिभा पे तय किया जाएगा, तो एक तरफ पूरा सब भाजपा के मंत्रिमंडल लगा है, तो एक तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने पूरे दमखम से यहाँ कैंप किया हुआ है। ऐसी स्थिति में दलित वोट बड़ा निर्णायक होगा। और इसमें सही समीक्षा जो मेरी समझ में आता है, एज ए पत्रकार जो अपनी समझदारी है और जो सही चीज बोलने का साहस करना है, उसमें यह है कि विजय राजभर जब चुनाव लड़े थे तो बसपा से मुस्लिम चुनाव लड़ा था, तब वो मुसलमान वोट और दलित वोट उस पे गया था जो एबब 50,000 हुआ था। उस समय राजमंगल यादव भी चुनाव लड़े थे
सपा का विरोध करके कांग्रेस से तो 11,000 वोट पाए थे। अब ये दोनों प्रत्याशी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोगों की मानसिकता है राजनीतिक पटल पे, स्थानीय पटल पे नहीं, राजनीतिक पटल पे, कि मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा का विरोध करेंगे, सपा में जाएंगे, तो दलित वोट कहाँ, दलित वोट कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो एक मेंटेलिटी है, को किसका विरोध करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए ये दलित वोट जो है बड़ा निर्णायक होगा, और चुनाव दो ही लोगों के बीच है, त्रिकोणी बनना नहीं है। इसलिए धीरे 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 भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ये सही बात दो दिन पहले पता चलेगा। यानी कि चुनाव के दो दिन पहले आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ये चुनाव साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आपका क्या मानना है, आप अपना परिचय भी दे दें और बताएं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे पत्रकारों ने कहा वही आपका मत है या आप उससे अलग अपनी राय रखते हैं? मैं चंदन दुबे दैनिक जागरण से हूं। जिसे जिस तरह से सब लोगों ने कहा कि बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी है, देखिए एकाएक किसी एक बात उक्का देना कि बीजेपी का पलड़ा भारी, इसको हम नहीं मानते। क्योंकि जो चुनाव का जो हर बार का जो चुनाव होता था, इस बार का चुनाव थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ना और कोई दल मतलब प्रभाव में नहीं है। तो जहाँ तक देखा जाए तो बीजेपी और इस समाजवादी पार्टी में लड़ाई कांटे की तो है, लेकिन स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो सुधाकर सिंह भारी पड़ते हैं। लेकिन उसमें एक जो मामला जो निकल के आ रहा है, बसपा का ना लड़ना, बसपा का ना लड़ना जो इस चुनाव का निर्णायक मोड में लेके जाएगा। और एक बात और है कि बसपा का वोट में अधिकतर दलित मतदाता है जो कि अंत्योदय और राशन से जुड़े हुए हैं। तो बीजेपी की जो सबसे बड़ी योजना है राशन और भाषण योजना, राशन जो है ये बड़ा काम किया था 2022 के चुनाव में भी, तो 2022 के बाद 2024 के चुनाव में भी राशन पे बहुत ज़्यादा वोट बीजेपी को मिल सकता है। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह नहीं बता सकते, लेकिन राशन पे बहुत ज़्यादा वोट बीजेपी को यहाँ मिल सकता है। लेकिन सुधाकर सिंह भी अपने पूरे फौज के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ उसमें भी सेधमारी में लगे हुए हैं। कई दलित बस्तियों में आप जाते हैं तो वहाँ पे दिखेगा कि आधे लोग जो है उनके साथ हैं, आधे लोग इनके साथ हैं। तो जो लड़ाई है वो बड़ी कांटे की दलितों के बीच में है, और दलित जिधर जाएगा उधर जीत होगी, और वो भी जीत बहुत बड़ी नहीं होगी, 2-4-5 हज़ार से जीत, हार जीत का अंतर होगा। लड़ाई बड़ी कसमकस की और दमदार होगी। इतनी कांटे की लड़ाई, लड़ाई बहुत कांटे की है, और वो सारी लड़ाई दलित ही तय करेंगे कि किसको जीतना है। 60,000 वोट का इग्नोर नहीं कर सकते, 55 से 60,000 वोट दलितों का है, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए अधिकतम वोट जो है वो दलितों के मतदान पे ही डिपेंड करेगा कि वो किसको देते हैं, उसी के सिर पे ताज बंधेगा। आपका क्या मानना है? देखिए इस वक्त जो माहौल चल रहे हैं उसे देखने जाए तो एक तरफा तो नहीं कोई कह सकता कि या बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी। जो हमने कैंपेन किया, जो लोगों के बीच गए, जो देखा, जो दारा सिंह चौहान ने जो दल बदला है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा लोगों में। क्योंकि महंगाई बढ़ी, सिलेंडर की रेट बढ़े, और तमाम जो बातें हैं जो आप देख रहे होंगे, जो महंगाई को लेकर के काफ़ी लोगों ने परेशानी भी जाहिर की कैंपेन में, हमारे जो हमने लोगों से बात किया, जो कितने लोग का ये कहना है कि उन्होंने जो दल बदला दारा सिंह चौहान ने, उसका बहुत बड़ा जो है फैक्टर देखने को। तो सुधाकर सिंह जो है प्लस में अभी चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये नहीं बताते, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव में कुछ भी हो सकता है, एक दिन पहले भी कुछ हो सकता है और वोटिंग के दौरान भी कुछ भी हो सकता है। जी तो हमारे साथ राम जी जायसवाल, श्री राम जायसवाल जी आ गए हैं। श्री राम जी आप बताइए, आप लगातार हम लोगों के साथ जुड़े भी रहते हैं, इतने दिनों के चुनाव प्रचार के बाद अभी कुछ बदला है माहौल, या आपको लगता है कि अभी भी चुनाव उसी फेज में? जी नहीं, अब चुनाव बदलता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि नाराजगी भाजपा से नहीं, नाराजगी दारा से थी। तो किसी के प्रति जो भी नाराजगी रहती है, धीरे धीरे जैसे अगर आपको ही समझाया जाए कि यार छोड़ो, तो जैसे वो गर्द मिटती जाती है, गर्द हटती जाती, तो आने वाले जो 4-5 दिन चुनाव के बचे हैं वो कहीं ना कहीं दारा के लिए ही पॉजिटिव होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ दारा चुनाव जीत रहे हैं, अभी भी कांटे की टक्कर है, लेकिन वह 5 दिन प्रभावी करेंगे। जितने मंत्रियों की फौज आ गई है, तमाम विधायक, 60 से अधिक विधायक आ गए और दर्जन भर से अधिक मंत्री आ गए, तो अब यह एक एक गाँव को घेर के बैठ गए हैं और कुछ नहीं, केवल एक ही चीज समझाने की प्रक्रिया हो रही है कि यार छोड़िए, दारा को न देखिए, मोदी को देखिए, दारा को न देखिए। यह पहला चुनाव है जहां विधानसभा के उपचुनाव में
कहा जा रहा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दारा को वोट, मतलब इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है लोकसभा चुनाव से, लेकिन फिर भी लोगों का मान मनोबल इसलिए आज से हो रहा है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दारा को वोट दीजिए। तो अब कहीं ना कहीं तीन चार दिन गर्द हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन इसी जनपद का एक चुनाव मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा 2022 में इसी तरह रमाकांत यादव के बेटे को स्थानीय निकाय में भाजपा ने टिकट दे दिया था। रमाकांत यादव वह यादव जो लगातार भाजपा को गाली दे रहे थे, और उनके बेटे अरुण कांत को भाजपा ने स्थानीय निकाय के लिए MLC का टिकट दे दिया। मतदाताओं को, भाजपा के लोगों को वह बात पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि यह तो गलत बात है ना भाई, जिसे रमाकांत गाली देंगे आप अरुण कांत को विधायक बनाएंगे, तो संभव नहीं था। ऐसे में भाजपा के बागी प्रत्याशी रिशु को भारी मतों से मतदाताओं ने जिता दिया था। जिस ब्लॉक में 100 से सवा सौ 150 तक वोट होते थे, वहां भाजपा प्रत्याशी को 2 से 3 वोट के लिए तरस जाना पड़ता था, बाकी सारे के सारे वोट अरुण कांत लेके चले जाते थे। तो वह भूल सुधारने का एक प्रक्रिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां दिखा दिया था। हालांकि वह चुनाव सीमित मतदाताओं का था, जहां केवल प्रधान और BDC और सभासद मत दे सकते थे। यह आम जनता का चुनाव है, यहां आक्रोश बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वही बात है, गर्दा हटाई ही जा सकती है। अब गर्द पड़ना तो नहीं है, धीरे धीरे। आप कह रहे हैं कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं दारा सिंह चौहान के लिए? हाँ, कुछ पहले जितना विरोध था धीरे धीरे जैसे वह कम होता जाएगा, किस हद तक कम होता है, परिणाम में वह बदल पाता है कि नहीं बदल पाता है, यह कहना निश्चित नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, आगे चुनाव इतने मंत्रियों के और इतने विधायकों के रहने के बाद भी अगर न सुधरे तो फिर भी अभी कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई। तो हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। आपका भी मानना है कि जो बात लोग मुंह से कह रहे हैं और जो लोगों के दिलों में है, उसमें अंतर है। लोग अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हालात वो नहीं है, एक्चुअल स्थिति वो नहीं है। आपको लगता है कि यही स्थिति और बेहतर होती जा रही है BJP के लिए, या अभी जिस तरीके से ये मान करके चला जा रहा है कि सुधाकर सिंह को एज है, सुधाकर सिंह को एज है, सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं, सुधाकर सिंह पुराने हैं, लॉयलिस्ट हैं, सपा के धुरंधर नेता हैं, उनके प्रति भी लोगों की सहानुभूति है? जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो एक बात तो आप सभी समझ लें कि ये दोनों नेता, चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, ये दोनों ही घोसी के लोगों के लिए ट्रस्टेड भी हैं और टेस्टेड भी हैं। ये दोनों बातें हैं, दोनों घोसी से राजनीति करते हैं या कर रहे हैं लगातार, तो दोनों का कार्यकाल यहाँ की जनता ने देखा है, वो भी पूर्ण बहुमत के समय का। जब सुधाकर सिंह जी यहाँ पर विधायक थे तब सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी प्रदेश के अंदर, और जब दारा सिंह चौहान यहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं तब भी प्रदेश में पूर्ण बहुमत की BJP की सरकार रही है। तो दोनों ही नेताओं को यहाँ की जनता परखी और जानी हुई है। लंबे अरसे से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं दारा सिंह चौहान, चाहे भले ही दल बदलते रहे, आवाम तो वही है ना जिसके बीच वो राजनीति करते हैं। तो काफी अगर यह देखा जाए, राजनीति के कद के हिसाब से देखा जाए, तो अब दारा सिंह चौहान से सुधाकर सिंह का कोई मुकाबला नहीं रह जाता है, क्योंकि सिर्फ ये विधायक तक ही पहुंच पाए अपनी पार्टी में, जबकि दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री रहे, बसपा संसदीय दल के नेता रहे पार्लियामेंट के अंदर, तो निश्चित तौर पर इनका अनुभव ज्यादा है। और आज की जनता वो 10 साल 20 साल पुरानी जनता नहीं है, गाँव की एक सबसे गरीब महिला के पास भी आप देखेंगे तो बड़ा वाला मोबाइल है, इंटरनेट है, मीडिया है, सब कुछ आ रहा है। वो राजनीति को भली भांति समझ रहे हैं, यह बेवकूफी हम लोगों की है कि हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सबका वोट फिक्स है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है वो तय है, BJP का अपना जो वोटर का समूह है वो तय है। क्या आपको लगता है कि दोनों में कोई ओवरलैपिंग है, कोई इसके वोट को ले रहा है, कोई उसके वोट को ले रहा है, ऐसा है, या फिर आप नहीं वोट बैंक पे लड़ाई? कतई नहीं, कभी यहाँ होता ही नहीं ऐसा है। आप बताइए, आप किसी जाति का नाम लीजिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं, अगर उस जाति का नाम अगर आप लेंगे तो यह मान लिया जाएगा, यहाँ का बच्चा बच्चा समझता है कि यह किस पार्टी का वोटर है। और जो मुंह से वो लोग बोलते हैं ना, मात्र 2% वो लोग होते हैं, हम जैसे लोग कि बोलते हैं, समझ रखते हैं,
और वही लोग चुनाव जिताते हैं, चुनाव हराते हैं, लेकिन चुनाव जीताना हराना वोटर का काम होता है। और मास का वोटर किसके पास है आप आकलन लगा लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ वो पिछड़ी सीट रही है, आज से नहीं फागू चौहान के जमाने से रही है, और आज दलित खाली हुआ है। दलित जहां शिफ्ट कर रहा है वहां एक तरफा चुनाव जीतेगा, ये तय है। तो पिक्चर धीरे धीरे क्लियर है और क्लियर होती जा रही है, उसमें नो डाउट। आपके हिसाब से दलित दारा सिंह चौहान की तरफ शिफ्ट कर रहा है? देखिए मैं इसलिए यह बात कह सकता हूँ, कि बात करते हैं विधानसभा चुनाव जब पिछला बीता था 2017 का, तो उस चुनाव में दारा चौहान बगल की मधुबन सीट, सठी सीट है, वहां से विधानसभा चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री बने, वन मंत्री बने। तो जब वो वन मंत्री बने, उसके पहले का एक कार्यकाल उनका लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी से थे, तुरंत बसपा में आए थे और चुनाव विधायक ही लड़े और चुनाव जीते और वन मंत्री हो गए। अब वन मंत्री होने के बाद उनके मऊ से लेकर लखनऊ कार्यालय तक बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता जिनको कह सकते हैं सक्रिय कार्यकर्ता, उनके चक्कर काटा करते थे उनके ऑफिसों का, और जो भी लाभ है जिस तरीके से, चाहे ठेकेदारी हो चाहे कुछ भी हो, वो लिया करते। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग लिखित पत्र पे अपने भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस तक उन्होंने शिकायत की थी कि दारा चौहान आज भी अपनी मेंटेलिटी से दूर नहीं हो। सारे पत्रकार साथियों से यह बात मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग इसका जवाब देंगे कि वो लोग बार बार शिकायत आती कि अभी दारा चौहान अपनी बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटी छोड़ नहीं पा रहे, शिकायत होती थी, और वो तब भी थे और आज के डेट में भी है। उनको शिफ्ट करना बहुत आसान है, आज जाकर देखिए उनके लोग, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, अब नाम देख लीजिए, उनकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आज गली गली अनुसूचित जाति के जगहों पे घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद चल रहा है यहाँ पे, और सब लगा दिया है भाजपा ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं। तो आप भी इसी मत के हैं जो हमारे दोनों पत्रकार? हाँ बिल्कुल, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, कम्युनिस्टों का धरती रहा है, और पूर्व में यहाँ पर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, घोसी, ये कम्युनिस्टों का गढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। तो परिवर्तन शुरू होने के बाद जो मैंने कम्युनिटी में जो चेंजेस आया, वो दलित वर्सेस बैकवर्ड में चला गया। कहीं ना कहीं ये मतलब फॉरवर्ड के ऊपर ये लोग गेम नहीं खेल पाए, इसीलिए राजनीतिक दल भी हमेशा दलित, ओबीसी या इन्हीं केंद्र बिंदुओं पर ही प्रत्याशियों को उतारती है। तो दलित मतदाता जो है निर्णायक भूमिका निभाएगा इस चुनाव में। और अभी जो हम लोगों का जो सर्वे रिपोर्ट, जो हम लोगों का 20 दिन का मेहनत है, उससे ये लग रहा है 70-30 का रेशियो है, 70 बीजेपी के पास है, 30 साइकिल के पास है। 70-30, हम लोग तो अभी तक सुन रहे थे कि 70 सुधाकर हैं और 30 बीजेपी हैं। हमारे कुछ पत्रकार साथी कह रहे हैं कि पलटा हुआ मामला है, आपको भी लग रहा है कि इतना पलटा हुआ है या 70-30 का फासला नहीं है? अब उसको 60-40 कह सकते हैं, 55-45 कह सकते हैं, लेकिन 70-30 की स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। रह गई बात की घोसी विधानसभा चुनाव की, तो घोसी विधानसभा चुनाव या घोसी लोकसभा एक पोटेंशियल माना जाता रहा है, घोसी विधानसभा कोई पोटेंशियल नहीं है हमारे नज़रिए से। अब तक वहाँ से पार्टी प्रत्याशी जीते हैं, कद्दावर बने हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन जिस स्तर से घोसी लोकसभा पर काम के लेकर चर्चित रहा या जाना जाता रहा, घोसी विधानसभा को लेकर जाना नहीं जाता है। आज के तारीख में भी जो स्थिति पैदा हो रही है, यह एक तरफ कहा भी जा रहा है कि दारा हारेंगे तो भी मंत्री बनेंगे और दारा जीतेंगे तो भी मंत्री बनेंगे, सुधाकर जीतेंगे तो विधायक बनेंगे। ऐसी स्थिति में फिर वह दारा का पिछला कार्यकाल जो 1.5 साल का रहा है, वही स्थिति पैदा होगी। तो कुछ यह सब सोच करके मतदाता कुछ पलटी मार रहे हैं, जो भाजपा की तरफ या दारा की तरफ जा रहे हैं। दल बदलू वाली स्थिति जो है, वह दल बदलू संज्ञा अब बिल्कुल बेकार साबित होती जा रही है जैसे जैसे, इसलिए कि दारा का कार्यकाल ही दल बदलू से शुरू हुआ है। बड़ी ही रोचक चर्चा इस वक्त जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके जरिए हमारे तक भी पहुँच रही है और दर्शकों तक भी। तो आपने भी सबको सुन लिया, अब बिल्कुल हम अपने आखिरी राउंड में हैं और छोटा छोटा सबसे कमेंट ले रहे हैं। आपको भी यही बातें लग रही हैं कि ये लड़ाई में अब भाजपा की तरफ ये मामला झुका है, या आप मानते हैं कि नहीं ये लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, कोई भी जीत सकता? देखिए, दरअसल अभी प्रवीण राय जी ने आपको बताया कि पूर्वांचल जो है जाति आधार पर चुनाव होता है, और अब तक वो मिथक टूटा नहीं है, अभी तक वो मिथक समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में घोसी में भी जाति फैक्टर पूरी तरह से कार्य करेगा भाजपा के। एक सवाल और है ना कि जाति फैक्टर करेगा, लेकिन ये चुनाव अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो एक सवर्ण बनाम एक
कह लें कि EBC है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिसको कहते हैं, अति पिछड़ा, तो इसमें फिर सवर्णों का रुख कहाँ है? देखिए, सवर्णों के रुख की जो स्थिति है चुनाव में, जो चीजें जैसे लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लोग जाकर के वहाँ कर रहे हैं, जनता का पोल ले रहे हैं, तो उसमें जो लोग कुछ बोल रहे हैं वो लोग तो बता रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हूँ, सपा के साथ हूँ, इस तरह की बातें बता रहे हैं। लेकिन जो सवर्ण वोट है तो उसके जहाँ जहाँ संबंध हैं, जिसका सपा में संबंध है, जिसका भाजपा में संबंध है, तो वो अपने अपने जगह से वोट कर रहे हैं सवर्ण वोट। अच्छा, जो पिछड़ा वोट है, जो दलित वोट है, उसके जो मंत्री हैं, चूँकि वो कैंप किए हैं, तो स्वाभाविक है कि जहाँ अगर 100 लोग हों और उसमें जो है 10 लोग मंत्री हों, तो उसमें तो 5 लोग, 2-4 लोगों को तो प्रभावित कर ही लेंगे, तो उनकी तरफ होगा। सब मिला करके दारा चौहान की जो स्थिति है, ठीक है, वो चुनाव पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से सरकार ने अपना प्रभाव छोड़ रखा है और अब चीज़ें बदल रही हैं, और जो उनका अब वोट है, जो उनके जो मंत्री हैं हर वर्ग के, उनका पूरा प्रभाव दिखेगा, स्वाभाविक है दिखेगा, और दिख भी रहा है। आपने भी सुन लिया आखिरी कमेंट, तब आप चलते चलते आप लोगों से भी, आपको लग रहा है जो सवर्ण वोटर है, माना जाता है कि भाजपा का वोटर है, लेकिन चूंकि प्रत्याशी इस बार सवर्ण समाजवादी पार्टी से है, तो वो दुविधा में है क्या कि वो सपा की तरफ जाए या ना जाए? देखिए, बिल्कुल दुविधा में है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछली नगर पालिका चुनाव में हम लोगों ने देखा है, और नगर पालिका चुनाव में सवर्ण मतदाता अधिकतम बीजेपी को छोड़ दिया, और इसलिए नहीं छोड़ा कि हम बीजेपी के साथ नहीं थे, उनको प्रत्याशी पसंद नहीं था। और सवर्ण मतदाता ऐसा मतदाता होता है कि उसको डील नहीं किया जा सकता है, आप डील करा के कहीं वोट नहीं दिला सकते सवर्ण मतदाता को। और जहां तक रही ये सवर्ण मतदाता सुधाकर सिंह की पकड़ की बात, तो शुरू से उनके साथ सवर्ण मतदाता रहे हैं, जब भी वो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, जब जीते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे जहां तक रही सत्ता में रहने वाला शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो ये अभी खतौली हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी खतौली आ रही है, पिछले लोकसभा में चले जाएं तो गोरखपुर और फूलपुर हारे हैं, मुख्यमंत्री की सीट भी ये हारे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि शासन सत्ता से सिर्फ चुनाव जीता जाता है। हाँ, ये एक चीज है कि दारा सिंह चौहान के पिछड़े होने का लाभ बीजेपी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन सवर्ण वोट मास संख्या में सुधाकर सिंह के साथ खड़ा होता दिख रहा है, ये कहने में हमें कहीं से गुरेज नहीं, क्योंकि मैं भी एक सवर्ण सिस्टम से आता हूँ, तो मैं हम लोग भी बैठते हैं, देखते हैं, तो सवर्णों के सिस्टम को जानते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके नगर पालिका चुनाव में देखने को मिला था। तो आप नगर पालिकाओं को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, जो चीज अभी जल्द बीती है, तो आप ये अगर ऐसा होता है तो एक तो चीज इबारत यहां लिखी गई, और दूसरी इबारत अगर ऐसी होती है तो वो घोसी में लिखी जाएगी। घोसी समय सवर्ण मतदाता 70-80% सुधाकर सिंह के साथ होता दिख रहा है, क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी कम है, इसलिए उनको कोई कहीं गिन नहीं रहा है, खाली पिछड़ा 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 किए हैं, तो खाली पिछड़ा करेंगे तो अगड़ा तो नाराज होगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जहां रही बात, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पूरा वोट, पूरा चुनाव दलितों पे डिपेंड करेगा, जितना दलित ये खींच ले रहे हैं, जितना दलित वो खींच ले रहे हैं, वो वही चुनाव उस पर लेके जाएगा कि दलित कितना वोट लेके आ रहे हैं, वही हार जीत का वो चीज तय करेगा। आप जिस बिरादरी से आते हैं, मुस्लिम बिरादरी से, मुसलमानों का क्या रुख? देखिए, मुसलमानों में भी कई फिरके हैं, जैसे कि शिया समुदाय हो गया जो अच्छे खासे वोट हैं, और सुन्नी समुदाय हो गए वो अच्छे खासे वोट हैं। अभी जो हाल ही में जो चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी से भी जो प्रत्याशी उठे थे, अच्छा खासा उन्होंने वोट काटा था। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी में शिया समुदाय में एक अच्छी पकड़ है, यहाँ पे भी है, जैसे कि आप लखनऊ में भी देखे होंगे, कई जगह एक अच्छी पकड़ बना रखी है। तो शिया समुदाय का जो अब की बार वोट होगा, कुछ नाराजगी जो देखने को मिली दारा सिंह चौहान की तरफ से, उसमें कटेगा, तो वो कट करके सीधे जो है सपा में चला जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, और आप ही से आखिरी कमेंट लेते हैं। सारे लोगों की बातचीत से एक चीज निकल करके आ रही है, और वो ये कि चुनाव बहुत कड़ा है, लेकिन जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, उनका ये मानना है कि अब चुनाव चढ़ गया है और बीजेपी को अब बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अलग अलग अगर हम तबकों की बात कर लें, जिसमें पिछड़ों में निषाद, राजभर और चौहान को अगर हम मान लें कि ये बीजेपी के साथ हैं, उस तरीके से सवर्णों की भी चर्चा हुई कि इनका मास वोट जो है वो सपा की तरफ जा रहा है, मुस्लिम्स और यादव ये समाजवादी पार्टी के हैं, इस तरीके से भी अगर हम बांट लें, तो आंकड़ों के हिसाब से, नंबर गेम के हिसाब से आपको क्या लगता? जी, पहले मैं बता दूं, सभी वक्ताओं ने कहा कि नहीं, पूर्वांचल में जातिवाद हावी रहता है,
तो वही बता दूं कि सवर्ण मतदाता जो होता है वही मतदान करने से पहले विचार भी करता है। जैसे नगर पालिका में पसंद नहीं, हमने नकार दिया। स्थानीय निकाय में प्रत्याशी पसंद नहीं, हमने नकार दिया। यह क्षमता, यह बौद्धिक क्षमता केवल भाजपा के मतदाताओं के पास है। तो बाकी जो बच रहे हैं मुसलमान और यादव, यह तो 100%, मैं 99 भी नहीं कहूँगा, 100% सुधाकर सिंह के साथ हैं। अब आ गई जो भाजपा के कोर मतदाता हैं, ठाकुर सुधाकर सिंह के साथ हैं। भूमिहार मतों में बड़ा बिखराव है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लग रहे हैं कि आप अंदर से प्रचार कर रहे हैं सुधाकर सिंह का, आप क्या कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, वहाँ चारों विधानसभा में, मऊ के चारों विधानसभाओं में सबसे अधिक भूमिहार अगर कहीं है तो घोसी में है। वहाँ चार चार बड़े नेता भी हैं, योगिंदर सिंह हैं, मनोज राय हैं, उत्पल राय हैं, सीता राय हैं, सारे राय लोग हैं और सारे भाजपा के से ही टिकट मांगते हैं। तो जब दारा ही हर चुनाव लड़के जीत जाएंगे तो यह क्या करेंगे, यह केवल हाथ जोड़ के लोगों के लिए समर्थन मांगेंगे? यह भी भूमिहार बिरादरी में सवाल बन रहा है। तो भूमिहार कट रहा है, ठाकुर कट रहा है, रह गई भाई दलित की, तो मैं अभी भी 60-40 पे ही अड़ा हुआ हूँ। मैं आपके डिबेट में भी एक बार 60-40 ही बोला था। 60 किसको, 40? 60 अगर बहुत प्रभाव होगा तब भाजपा को जा सकती है, और 40 से कम तो सुधाकर सिंह के पास आनी नहीं है। इसलिए सारी निगाहबानी, सारी अगोरैया, अगोरैया समझ रहे हैं साहब, अगोरना, सारी अगोरैया, सारी निगाहबानी केवल भाजपा को करनी है, सुधाकर सिंह को नहीं करनी है। सुधाकर सिंह के पास तो ऑलरेडी यादव और मुसलमान की बड़ी संख्या है। हरिजन 40% अगर दे दिए दलित मतदाता तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी छत्री, भूमिहार, ब्राह्मण या जो कहे जाते हैं कि सोच समझ कर लेते भेड़ चाल में मतदान करने वाली जातियां, या नहीं है, इसका खामियाजा दारा को भुगतना पड़ सकता है। नाराजगी दारा सिंह से है, न कि नाराजगी सुधाकर सिंह से है। तो ऐसे में नाराजगी दारा से है। हाँ, मंत्रियों की फौज, मैं फिर कह रहा हूं, पहली बार भी आपसे कहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, अब यह गर्दा कितना हटा पाते हैं मंत्री जी लोग, कितनी जल्दी कितनी गर्दा कम कर पाते हैं, यह उनके ऊपर निर्भर होगा। आखिरी के 4 दिन महत्वपूर्ण होंगे। बहुत शुक्रिया, आप भी कुछ कहना। सवर्णों के उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आपने अभी सवर्ण के उस पर आपने जवाब मांगा है, तो देखिए अनुसूचित पे भी बात करता हूं और सवर्ण पे भी। अनुसूचित का मतलब यह है कि अनुसूचित में बहुत जातियां हैं, अनुसूचित में आपके जो है खटीक आते हैं, अनुसूचित में धोबी आते हैं, पासी आते हैं, लेकिन अनुसूचित का एक फैक्टर चमार का है। वहाँ उसकी बात करिए ना, गालौ जिसमें मायावती जी आती हैं, और बाकी जो बाई फरकन मैं कर रहा हूँ, बाकी जो अन्य है सब भाजपा शिफ्ट कर ली है। सिर्फ चमार की बात हो रही है, सिर्फ अनुसूचित की बात मत करिए। इसी तरीके से सवर्ण में भी आता, सवर्ण में ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर आते हैं, छत्री आते हैं, आपके लाला आते हैं, ये आते हैं, और वहाँ छत्री कैंडिडेट है। तो हम 100% छत्री मतदाता को कह रहे हैं कि छत्री मतदाता भाजपा को वोट कर। अगर आज भूमिहार वहां कैंडिडेट रहता तो एक भी भूमिहार को मैं नहीं कहता कि भाजपा को वोट देगा, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर आप पूरे सवर्ण की बात करेंगे उसमें भी भाई फरकन है, और सवर्ण इसलिए भाजपा हमेशा पिछड़ों की इस समय राजनीति कर रही है कि सवर्ण को जानती है कि आज से नहीं, भाजपा की पैदाइश सवर्णों से हुई है, और सवर्ण उसके आज नहीं कल नहीं परसों, जैसा कि श्री राम जी ने कहा, रो कर देगी वोट, लेकिन देती है वोट, यह अब तक के चुनाव में देखा गया है। तो बड़ी कुछ और, 2017 के पहले वह सवर्ण कहां वोट देता था भाजपा को, 2014 के पहले कहां जाता था। इसी मऊ में 5,000 प्रति विधानसभा वोट मिलते थे, इसी मऊ में पूरे प्रदेश में 5,000 से 7,000, 12,000, 14,000, 18,000, आपने देखा कि 48 विधायक हुआ करते थे, 49 विधायक हुआ करते थे, कहां गए थे सवर्ण? सवर्ण भाजपा के बधुआ तो है नहीं, या मैं करता हूं दावा। अब तो ये बहस पत्रकारों के बीच हो गई, जो चलिए आप आखिरी, तो आखिरी कमेंट जी। देखिए ऐसा है कि जैसा मैं कहा, हमारी बात पे उन्होंने कोट किया कि सवर्ण कहाँ थे, तो देखिए उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी होता है, देखता है सवर्ण कि किधर जा रही है, किधर जा रहा है, हवा किधर जा रही है, चढ़ जाता है उधर, वही होता रहा है अब तक। तो बड़ी ही दिलचस्प चर्चा रही, क्योंकि पत्रकारों के बीच भी ऐसा माहौल लगा मानो हम नेताओं के बीच बैठ गए हों, पार्टियों के बीच बैठ गए हों, कुछ इस तरीके की ये चर्चा निकल पड़ी। लेकिन तमाम जो हमारे साथ पत्रकार यहाँ पर मौजूद रहे, इस जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में हैं, इस जिले के वो पत्रकार हैं जो पल पल की खबरों पर नजर रखते हैं, और राजनैतिक रूप से तो पूर्वांचल को माना जाता है कि राजनैतिक नब्ज पर पूर्वांचल से या पूर्वांचलियों से बेहतर कोई अपनी पकड़ नहीं रखता। तो इन तमाम लोगों से आज हमने मुद्दे की बात में बात की, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आज यूपी तक के साथ जुड़े और अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय आपने रखी। आज की इस चर्चा में मऊ से इतना ही,
इस घोसी के इस उपचुनाव को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इस कार्यक्रम से विदा दीजिए।